दोस्तों ये है मेरा बनाया हुआ केक। इसे मैंने ब्रेड, डायरी मिल्क और ओरियो बिस्किट से बनाया है। अभी बिना बेक किए हुए 10 मिनट के अंदर घर पे ये केक बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं केक। ब्रेड केक बनाने के लिए हमें ब्रेड का साइड का जो जला हुआ हिस्सा इसे निकाल लेना होता है, और हमें केक बनाने के लिए 9 पीसेस चाहिए ब्रेड स्लाइस का। तो ऐसे एक एक करके हम सारे काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 9 पीसेस काट लिया ब्रेड स्लाइस का साइड से। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब हमें ब्रेड साइज़ को कुछ इस तरीके से काट लेना है। यहाँ पे मैंने एक ढक्कन का यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे कटोरी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे एक ढक्कन ऐसे लगा लीजिएगा ब्रेड का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें टच करके लगाइएगा, ताकि ज़्यादा वेस्टेज ना हो। इसे हमें राउंड शेप देना है एक साइड से, और एक साइड ऐसे ही रहेगा। तो ऊपर का साइड में हम राउंड शेप देंगे। देखिए मैंने इस तरह से दोनों कोना जो है काट लिया, और इसे आप ऊपर वाला हिस्से का थोड़ा थोड़ा कोना काट के राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए लगभग राउंड शेप मेरा हो चुका है। ऐसे मैंने 6 ब्रेड ऐसे राउंड शेप में काट लूँगा, और बाकी 3 स्लाइस नॉर्मली स्क्वायर शेप में रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 6 ब्रेड्स देखिए राउंड शेप में काट लिया है। एक साइड का राउंड शेप रहेगा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट 3 यूज कर रहा हूँ। 30 रुपये का ओरियो बिस्कुट है। अब इसके अंदर से क्या करना है, हमें ओरियो बिस्कुट का जो क्रीम है वो निकाल के रख देना है। चाहे तो आप चाकू का मदद से भी निकाल सकते हैं, या फिर हाथ से भी ये निकल जाता है। तो मैंने यहाँ पे चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चाकू का इस्तेमाल करके सारे के सारे क्रीम मैंने निकाल के रख दूँगा। तो सारे के सारे क्रीम मैंने निकाल लिया है, और बिस्किट ऐसे ही है। अब बिस्किट को हमें पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अगर मिक्सी आपके पास तो आप मिक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे पाउडर बनाने के लिए एक कैरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक में सारे मैंने बिस्किट डाल दिया, और ऐसे फोल्ड करके इसको ऊपर से बेलन मार लूँगा, और बेलन मार के मैं यहाँ पे बहुत बारीक की पाउडर बना लूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, ओरियो बिस्किट का पाउडर बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी है हमारा। अब इसको पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए मैंने एक बॉल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बॉल में मैं डाल दूँगा 1 कप का 1/4 मिल्क। तो मिल्क को एक साथ में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है और मिलाते जाना है, ताकि बहुत अच्छी तरह से हमारा पेस्ट जो है रेडी हो जाए। ये जो हमारा पेस्ट बना बहुत ठीक है। तो बचे हुए दूध मैं इसमें डाल दूंगा, डाल के ऐसे मिला लूँगा। तो दोस्तों ये देखिए मेरा ओरियो पेस्ट है, और बिल्कुल इस तरह का आपको थिकनेस रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं। और अगर आप इसको ज़्यादा पतला कर देंगे तो वो ब्रेड से नीचे गिर जाएगा और प्लेट में बिखर जाएगा। अब एक प्लेट लूंगा, प्लेट में थोड़ा सा ओरियो पेस्ट लगा लूंगा, ताकि ब्रेड का जो टुकड़ा है वो चिपक जाए। और ऐसे मैंने 2 राउंड ब्रेड लगा लिया, और बीच में लगा लिया स्क्वायर वाला ब्रेड। देखिए दोस्तों कितना आसानी से बन गया हमारा हार्ट शेप, और आपको भी ऐसे बना लेना है। बहुत आसान है दोस्तों इसे बनाना। और ऊपर से डाल लेंगे शुगर वाटर डालना बहुत जरूरी है दोस्तों। इससे ब्रेड में स्वीट और सॉफ्टनेस दोनों आ जाता है, और इसके बिना खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके ऊपर से लगा लेंगे ओरियो पेस्ट जो हमने बना के रखा था, और इसे पूरा के पूरा एक लेयर जैसा लगाना है, और फिर ऊपर से लगा देना है ब्रेड स्लाइसेस। उसके ऊपर लगेगा शुगर वाटर, और उसके बाद लगेगा ओरियो पेस्ट, और दोबारा इसमें लग जाएगा ब्रेड स्लाइसेस। और फिर कंटिन्यू आपको ऐसे एक ही प्रोसेस दोबारा दोहराना है। इसके ऊपर जो आप ओरियो पेस्ट लगाएंगे वो थिक लगाना है, क्योंकि ये फाइनली अब लगा रहे हैं, इसको डेकोरेशन भी करना है। और उसके साइड में आप ऐसे चम्मच की सहायता से पेस्ट लगा दीजिए। और पेस्ट अगर ज़्यादा पतला है तो इसमें बहुत दिक्कत होगा आपको दोस्तों, और पेस्ट जो है चिपकेगा नहीं और नीचे फैल जाएगा। तो दोस्तों पेस्ट को इतना ही थिक रखें जितना मैंने दिखाया है। चारों ओर मैंने ऐसे लगा लिया, और अब इसे डेकोरेशन कर लेंगे। अब डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे कद्दूकस ले लिया, और एक डायरी मिल्क चॉकलेट का ऐसे घिस के रख दूंगा, और बाकी जो एक डायरी मिल्क चॉकलेट है इसे केक के ऊपर डायरेक्ट ऐसे घिस लेंगे। और अगर आपका चॉकलेट मेल्ट हो रहा है तो पहले अच्छे से कूलिंग कीजिए, उसके बाद कद्दूकस कीजिए। तो दोस्तों देखिए ऊपर का हिस्सा जो है चॉकलेट लग चुका है, और साइड में जो चॉकलेट गिरा हुआ है ऐसे कार्ड की मदद से आप इसको साइड में लगा सकते हैं। मैंने जो प्लेट में चॉकलेट घिस के रखा था वो मैं प्लेट से लेके कार्ड की मदद से ऐसे साइड में लगा लूँगा। तो हर साइड से आपको चॉकलेट ऐसे बराबर लगाना होता है दोस्तों, ऊपर से लेके नीचे तक। और दोस्तों ये देखिए मेरा चॉकलेट की तरफ बड़ी तरीके से लग चुका है, और ये जो एक्स्ट्रा चॉकलेट्स है इसे भी आप कार्ड की मदद से कुछ इस तरीके से साफ़ कर ले। और बाकी जो चॉकलेट बचा हुआ रहेगा उसे हाथ में एक भीगा हुआ कपड़ा लेके ऐसे उंगली में फंसा के आप प्लेट को साफ़ कर ले। दोस्तों ये ओरियो का क्रीम्स, जो क्रीम्स मैंने निकाल के रखा था इसे ऐसे राउंड करके ऐसे ऐसे आप लंबा लंबा कर लीजिए, और फिर राउंड करके ऐसे ऐसे राउंड शेप में ऐसे राउंड शेप बना के रख लीजिए। और ये है, ये 2 बिस्किट का एक साथ मैंने क्रीम लिया हुआ है, इसे थोड़ा बड़ा बड़ा राउंड करके रख दीजिए। इससे मैं हार्ट शेप बनाऊँगा। तो दोस्तों हार्ट शेप बनाने के लिए ऐसे हार्ट शेप में करके क्रीम को ऐसे एक साइड में मैंने पहले लगा लिया,
फिर दूसरी साइड का भी सेम तरीके से ऐसे हार्ट शेप बना लूँगा, ऐसे टेढ़ा करके ऐसे लगा दूंगा, और रिंग्स जो है ऐसे तीन तीन करके दोनों कोने में ऐसे लगा दूंगा, और ऊपर से लगा लूंगा रेड चेरीज। अब ऊपर से कलरफुल स्प्रिंकल्स ऐसे छिड़क देंगे ताकि इसका लुक और भी बढ़िया आए। और इसका बीज में जो लव है, इसका बीज में हम लोग सिल्वर बॉल डाल दिया है, और ये जो चॉको रोल्स जो 5 रुपए वाला मिलता है किसी किराना शॉप में भी आप बाय कर सकते हैं, ऐसे लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने यहाँ पे केसर का टिक्का लगा लिया है, और दोस्तों ये जो लव है, लव सिंबल है, इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कर दूंगा मैं। तो दोस्तों लगभग हमारा डेकोरेशन कम्प्लीट है। तो देखिए दोस्तों रेडी है हमारा केक, देखिए कितना ज़्यादा चॉकलेटी और कितना यम्मी लग रहा है। अब अपने हाथ से बना के किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए दोस्तों ये कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है, एकदम मुंह में लेते ही घुल जाएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।